आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड horizontally from a top of the tower of height h. The line joining the point of projection and the point of striking on the ground makes 45 degree with ground. Then with what velocity the object strikes the ground? Okay, तो देखो question ऐसा है कि एक हमारा जो tower है, ठीक है, जिसका height h है, okay, इस h height से एक ball को throw किया गया horizontally, okay, horizontally हमने इस बॉल को थ्रो किया है। और कुछ मान लीजिए u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया होगा, ux कर लेते हैं क्योंकि x डायरेक्शन में इसको मानता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, तो ux वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, ठीक है। अच्छा, ये जाके कहीं ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करीबन करके ये ग्राउंड पे यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि इस पॉइंट को और इस टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन करें, जो एंगल इससे बनता है वो एंगल कितना है, एंगल 45 डिग्री का एंगल है, ओके, ठीक है। और तो हमें बताना है कि यहाँ पे जब बॉल आ रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, भी ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो देखो, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट तोड़ें, तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में यू एक्स कह लेते हैं इसको, ओके, और एक y डायरेक्शन में नीचे की तरफ जिसको मैं भी y कह ले रहा हूँ। तो अगर v मुझे निकालना है तो भी क्या होगा, भी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगा यू एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इन दोनों वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर भी होगा। हमें ये भी निकालने के लिए ये दोनों टर्म चाहिए। तो देखो, क्योंकि हमने इसे हॉरिजॉन्टली फ्लो किया है तो यहाँ पे आगे इधर भी जाते वक्त यहाँ पे जो ux होगा वो इसी ux के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, इस कारण से कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो ये वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, तो ux तो यही रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें इनिशियली तो इसका केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी कि भी y इनिशियली क्या था, जीरो था, इसको मैं uy बोल लेता हूँ, ओके, तो uy यहाँ जीरो था, फाइनली भी y कुछ यहाँ आया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले y का निकालते हैं फिर हम लोग x का निकालते हैं कि क्या क्या ux और vx की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये भी y है। तो देखो, y डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के निकाल सकते हैं, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, पॉजिटिव मैं नेगेटिव, ये नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए लिखूंगा इक्वेशन, ठीक है, मैंने ये कंसीडर किया है। तो यहाँ से देखो, हमें निकालना है vy के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टाइम कितना लगा होगा, ठीक है, तो टाइम कैसे निकालें, तो टाइम निकालने के लिए देखो ऐसा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, तो ये y डायरेक्शन में s जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, तो ये हमें पता है इनिशियली इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया। हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर y डायरेक्शन में बात करें तो g होगा, तो एक्सेलरेशन हमें पता है, तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाता है। तो टाइम देखो ये कितना आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू, ये हम लोग y डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2 s की जगह h पुट कर लें, अपॉन में ए की जगह पे जी पुट कर लें, तो रूट ओवर 2h अपॉन में जी की वैल्यू हमारे पास टाइम आ जाएगा, ओके, तो हमारे पास टाइम है। तो अब वाई और एक्स डायरेक्शन में तो टाइम तो यही सेम लगने वाला है, तो वाई डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन लिखें, वी वाई माइनस यू वाई इक्वल टू 2as, ओके। देखो, इस फॉर्मूले में हम बात करें, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको यूज कर लेते हैं ताकि वाई डायरेक्शन में डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लें, ये एक्स डायरेक्शन में टाइम यूज हो जाएगा जब हम लोग ये निकाल रहे होंगे। तो देखो, पहले वाई डायरेक्शन में कैसे वेलोसिटी निकालेंगे ये देख लो, तो वी वाई यू वाई तो जीरो है, यहाँ पे वी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू ए इज 10 एस इज एच, ओके, तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो यहाँ वी स्क्वायर आएगा तो इसको यहाँ पे रूट हो जाएगी, ओके, तो
ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारे पास कितना आ जाता है, रूट ओवर टू टेन इंटू एच, इसको टू जी एच कर लें, जी की वैल्यू टेन, ओके। तो इसको हमने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली है, क्योंकि जी एच के टर्म में चाहिए इसलिए। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो यू एक्स निकालना है, तो क्या करें, तो देखो इसमें तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है, ओके। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख लें डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकिंग, ओके। जितना टाइम लिया होगा और जितना इसने एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इतना दूरी का हम लोग पता कर लें, ये डी कितना है, तो हम यहाँ पर डी और टी की वैल्यू निकाल रखी है, पुट करके यू एक्स निकाल लेंगे। तो देखो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो डी जो होता है रेंज, वो किसके बराबर होता है, रेंज, ये रेंज हमें निकालना है। और ये रेंज निकालने के लिए ऐसा है कि हमारे पास एंगल दे रखा है, उसका यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल का रिलेशन, टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ट्राइंगल देखो ये है, ये ट्राइंगल, ये पॉइंट से ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें 45 डिग्री एंगल एच अपॉन में डी के बराबर होगा, ओके, एच अपॉन में डी के बराबर होगा। अच्छा ये एक बात बताओ कि यहाँ 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया डी इक्वल्स टू एच, तो डी के जगह पे मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, एच अपॉन में टी, टी की वैल्यू ये आई है, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखो ये रूट पूरे पे चल जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये इसकी टी की वैल्यू रखें तो 2h अपॉन में जी, ऊपर चला गया जी, तो यहाँ से ये एच कट जाएगा, तो ये कितना आ जाता है, रूट ओवर जी एच अपॉन में 2, ओके। तो हमारे पास यू एक्स है, वी वाई है, हम यहाँ पर पुट करें, इसका स्क्वायर करें तो वी आ जाएगा, तो देखो यहाँ से वी कितना आ जाता है, वी इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर, देखो जी एच तो हर जगह से कॉमन आएगा, तो जी एच तो बाहर आ गया, ओके, रूट से। अब देखो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करने के बाद 2 आएगा, यू एक्स की बात करें तो 1/2 आएगा, सबसे पहले वो उसकी यू वी वाई की बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास रूट ओवर 5gh अपॉन में 2। अच्छा यहाँ पर ये रूट जी एच होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्वायर तो कर रहे हो लेकिन फर्दर यहाँ पर रूट है ना, तो वो रूट के कारण यहाँ पर रूट जी एच हमेशा रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा रूट ओवर 5gh अपॉन में 2, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा इस कारण से, डी, ओके। तो यही हमसे पूछा गया था कि वेलोसिटी बताएं जब स्ट्राइक कर रही होगी ग्राउंड पे ये बॉल, तो ठीक है, तो वो भी आ जाता है रूट ओवर 5gh अपॉन में 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।